अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑल अबाउट किड्स माइलस्टोन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूली मदर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आज हम सीखेंगे कि छोटे बच्चों को एक्सरसाइज कैसे करवाई जाती है। तो इस वक्त हमारे पास ये एक बच्चा है छोटा सा, जिसकी एज फाइव टू सिक्स मंथ का बच्चा है। ये एक्सरसाइज हम अपने इतने छोटे बच्चों को स्टार्ट करवा देते हैं, जो अभी न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, जो अभी 5-6 दिनों के होते हैं, उनको ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। और नॉर्मली इस एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है कि बच्चे अपने हाथों की ग्रिप को, हाथों पाँव और जो उनकी लेग्स हैं और हैंड्स की मूवमेंट को हम सही कर सकें। और दूसरा क्या होता है कि उनकी जो मुसलसल लेटने से जो बॉडी में थकावट आ जाती है थोड़ी सी, वो ख़त्म करने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से छोटे बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज करवा सकते हैं घर में। आप इसको 2-3 मिनट्स की एक्सरसाइज आप डेली ट्वाइस अ डे करवाएं, जिससे बच्चों की थकावट भी ख़त्म होगी, थोड़ी सी एक्टिविटी भी आएगी और जल्दी वो हाथ पांव चलाना शुरू कर देंगे, जल्दी चीज़ों को कवर करना शुरू कर देंगे। तो जी, हम चलते हैं अपने छोटे से पार्टिसिपेंट के साथ इनके एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने हैंड की एक्सरसाइज करवानी है वो है ये, हम जब हाथों को यूँ सीधा करेंगे, ये इस तरीके से हाथों को खोलेंगे और उसके बाद इस तरह से बंद करेंगे, ये देखें यूँ। कोशिश आपने क्या करना है, जैसे बच्चे ये हाथ सीधा नहीं कर रहा तो आपने इसको हाथ से सीधा कर लेना है और बहुत ज़ोर से नहीं खींच लेना, ऐसा ना हो कि उसके बोन वगैरह अपने किसी पार्ट से अलग हो जाए, क्योंकि बच्चों की हड्डियां बहुत नाजुक होती हैं। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से उनकी हाथों को सीधा करना, ताकि वो अपने हाथों को सीधा कर लें। जब आपको लगे कि आपके उनके हाथ सीधे हो गए तो हम अब आहिस्ता से लेके जाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये ऐसी एक्सरसाइज आप 3 टाइम या 5 टाइम करवाएं, ये है एक्सरसाइज नंबर 1। ये एक्सरसाइज हम 5 टाइम रिपीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है कि अपने बच्चे के हाथ इस तरह के सीधे रखने हैं, जब आपने देखना कि हाथ सीधे हो गए तो उसके बाद हम लेके जाएंगे यूं ऊपर की तरफ सीधे, ये देखिए बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ, फिर हम नीचे लेकर आएंगे ऐसे ही, और फिर इसी तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपने 5-6 टाइम रिपीट करनी है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद हम इनके हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों में क्या है कि ये देखें, ये बच्चे हमेशा हाथ इस तरह रखते हैं, तो हम इसके हाथों में अपना फिंगर थंब को लाकर और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इनके हाथ को इस तरह खोलने की कोशिश करेंगे यूँ, फिर दोबारा से ऐसे, और हल्के हल्के हाथों से ये वाली साइड इनकी प्रेस करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आप 5-10 टाइम दोनों हाथों के साथ 5 टाइम इस हैंड के साथ रिपीट करेंगे और 5 टाइम हम इस हाथ के साथ रिपीट करेंगे ऐसे। अब हम नेक्स्ट जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो लेग्स की एक्सरसाइज। तो लेग्स की को हम क्या करेंगे, अब मैं इसको ज़रा सा इस तरफ को टर्न करती हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए कि लेग्स को, बच्चों के लेग्स वो लेटे होते हैं तो कभी किस तरफ मूव कर लेते हैं, किस तरफ मूव कर लेते हैं। लेग्स को हमने ऐसे पकड़ के सीधा पकड़ना है और यहाँ हल्का सा उसके नीज पर थोड़ा सा प्रेशर रखेंगे अपने थम का, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर, ताकि नीज़ बिल्कुल सीधी रहें। उसके बाद हम इसी को पकड़ के यूं करेंगे, नीज़ पर हाथ रहे ताकि नीज़ उनकी सीधी रहें। ये देखें, हम इस तरह की एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज क्या है, यहाँ से हम अपनी लेग्स को सीधा रखेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ ऊपर यहाँ तक लेकर आएंगे इसे, ये एक्सरसाइज है। इसको भी हम 5-10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में करें तो उसको 5 टाइम रिपीट करें, उसके बाद आप इसको 6 बढ़ाते जाएं डेली की इस एक्सरसाइज को। और इसी तरह फिर जब हम लेग्स की एक्सरसाइज कर लेंगे, लेग्स की मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई है, एक तो आपने इसको लेग्स को सीधा करना है और यहाँ तक मूव करवाना है।
ऐसे करना है, और दूसरा आपने यूँ लेग्स को सीधा ऊपर करना है और सर की तरफ लेके जाना है। थर्ड एक्सरसाइज इसके फुट की है, उसमें आपने यहाँ बैक साइड पे यहाँ पे अपने पंचिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा इसको प्रेशर देना है इस तरह हल्का हल्का। दूसरे फुट का भी ऐसे हल्का हल्का प्रेशर देंगे और फिर सेम फिंगर्स को ओपन करके इस तरह खोलेंगे। और फिर आप इस तरह बच्चे को हल्के हाथों से बॉडी को थोड़ा सा दबाएंगे, यहाँ बाजुओं को दबाएंगे, फिर इस तरह उल्टा करके कमर को। ये हल्के हाथों से हमने पूरे बॉडी की एक तरीके से दबाई कर दी और साथ में एक्सरसाइज भी कर दी। इससे बच्चे की जो थकावट है मुसलसल लेटनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और थोड़ा एक्टिव भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मदर्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस तरह की और मज़ीद वीडियो जानने के लिए और बहुत सी चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।